हेलो फ्रेंड्स, मैं राजन। ट्यूटोरियल लेटर से फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल पढ़ा था गंगा बेसिन के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, देखो ये हमारी गंगा नदी है। ठीक है, यहाँ से ये नदी निकलती है, ऐसे जाती है और यहाँ पे ऐसे जाके ना, और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ब्रह्मपुत्र नदी, ये दोनों यहाँ मिलती है और क्या बोलते हैं, एक डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, जिसको बोला जाता है सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता है सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन क्यों बोला जाता है उसको? एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे ना एक सुंदरी का पेड़ पाया जाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में ना एक सुंदरी का पेड़ पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो सबसे पहले ये गंगा नदी, ठीक है, तो गंगा नदी के बारे में आप लोग लिख लो। ठीक है, गंगा बताता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ये गंगा। ठीक है, तो गंगा मैंने आपको बताया था कि यहाँ से निकलती है गंगोत्री से उत्तराखंड, भागीरथी के नाम से। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा गंगोत्री ग्लेशियर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये उत्तराखंड में, ठीक है, यहां से निकलती है ये भागीरथी के नाम से। ठीक है, और इधर से कोई नदी आती है, कौन सी नदी, अलकनंदा नदी। ये दोनों यहां मिलती है देवप्रयाग में और यहां से ये गंगा के नाम से प्रसिद्ध होती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो आप लोगों को पता है गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है। ठीक है, और इसकी टोटल लंबाई लिख लो आप लोग। फ्रेंड्स 2525 किलोमीटर। फ्रेंड्स आप लोगों को ना कहीं कहीं ये 25 से 10 किलोमीटर भी मिलेगा। ठीक है, एक्चुअली क्या है ना, ये जो डिफरेंस है ना, एक्चुअली देखो बांग्लादेश से ना ये नदी कुछ बांग्लादेश में ही बहती है। ठीक है, तो बांग्लादेश में सीमा विवाद के कारण ना ऐसे 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर इधर उधर होता है, लेकिन आपको ना ये 25 से 25 किलोमीटर लिखना है। ठीक है, आप लोग रफ में ऐसे 25 से 10 किलोमीटर भी लिख लो इसको। ठीक है, एग्जाम में अगर 25 से 10 आए तो 25 से 10 पे टिक करना, अगर 25 से 25 आए तो 25 से 25 पे क्लिक करना। ठीक, टिक करना। और देखो एक साथ दोनों नहीं देगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग इसको ध्यान रखना। इसका वैदिक काल का नाम फ्रेंड्स गंगा ही है। एक्चुअली ऋग्वेद मैंने इसका एक बार ही जिक्र किया हुआ है। ठीक है, एक्चुअली ऋग्वेद में ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नदी नहीं थी। ठीक है फ्रेंड्स, सो लेकिन इसलिए गंगा ही नाम इसका है। इसकी जो सहायक नदी है फ्रेंड्स, मैं इसको बता देता हूं, इसको सहायक नदी लिख लो। पहले तो ये आपकी सबसे बड़ी नदी जो है ना, इसकी सहायक नदी, इसकी सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है ना, जो वो यमुना है। ठीक है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है, बंदरपूछ से। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर में बंदरपूछ एक जगह है, वहां से निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यमुना लिख लो इसको। और देखो यहां से ना यमुना के बाद जो डायरेक्ट मिलती है दूसरी नदी यहाँ पे, ये कौन सी नदी है, सोन। ठीक है, जो पैनल्स, हाँ देखो ये तो आपका यमुना हो गया। ठीक है, ऊपर से निकलती है, इधर आके मिल जाती है। ठीक है, यहाँ ये आपका यमुनोत्री से। और देखो बस पहली ये जो नदी है ना, सोन नदी। ठीक है, पहली जो पेनिनसुला नदी है जो कि गंगा से डायरेक्ट मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वनली एक केवल एक ही नदी है ना जो यहां से, क्या प्रायद्वीप है भारत की। ठीक है, जो हमारी गंगा से डायरेक्ट मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना, इस क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, एसएससी में आपकी सोन हो गई, और फिर आपकी ऊपर से देख लो, फिर आपकी जो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हो गई, ये नदी यहां से बहती है तो इसका राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज ये हुआ, और ऊपर से ऐसे लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज ये हुआ। ठीक है, तो ये गोमती हो गई, ये लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज लिख लेना। आपकी घगरा नदी हो गई। फ्रेंड्स आपको इंपॉर्टेंस नदी के बारे में बताएंगे जो कि एग्जाम में प्रिपेयर्ड होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपकी गंडक नदी हो गई, फिर आपकी कोसी नदी हो गई। ठीक है, और ये बहुत सारी नदियां हैं, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसे आप लोग पहले ड्रॉ कर लो। इसमें एक और चीज लिख लेना फ्रेंड्स, लॉन्गेस्ट बेसिन। लॉन्गेस्ट बेसिन इन इंडिया, ये जो नदी है ना, इसका जो बेसिन होता है, लॉन्गेस्ट, भारत की सबसे बड़ी बेसिन बनाती है। ठीक है, नदी
और ये प्योर नदी है, मोस्ट प्योर रिवर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी गंगा के बारे में हुआ। इस पे जो प्रोजेक्शन है फ्रेंड्स, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारी इसकी लिंकिंग परियोजना भी है, ठीक है, और बहुत सारी जो इस पे परियोजनाएं बनी हुई है ना फ्रेंड्स, वो एक्चुअली नदी को जानोगे ना फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी जो परियोजना है मैंने आगे चल के बताता हूँ। ठीक है, पहले इसकी जो सहायक नदी उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसे आप लोग पहले ड्रॉ कर लो, लिख लो। तो फ्रेंड्स देखो, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है ना, कौन सी है? यमुना नदी है। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन ऐसे पूछता है ना कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। ठीक है, तो क्या आप क्या ड्रॉ करोगे, क्या लिखोगे? यमुना। ठीक है, लेकिन अगर वॉल्यूम वाइज पूछ लेना, अगर वॉल्यूम वाइज पूछ ले तो घग्गर नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, पहले आप ऐसे फिगर समझ लो, ये हमारी गंगा यमुना नदी हुई। ठीक है, यमुना आके यहाँ पे प्रयाग में मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आपकी ये चंबल नदी हुई, ये यमुना की सहायक नदी है। अब ठीक है, यहां से तो यमुना मिल गई यहाँ पे गंगा में जाके, बट यहां से जो मध्य प्रदेश से या यमुना की भी कुछ सहायक नदी होंगी ना, तो ये आपकी चंबल है। ठीक है, ये आपकी निकलती है एमपी से। ठीक है, आके यहाँ पे यमुना मिलती है, फिर आपकी बेतवा नदी हुई, ये भी यमुना की सहायक नदी है। फिर केन नदी है, ये भी यमुना की सहायक नदी है। ये हिंडन नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी यमुना की सहायक नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखो यहां से सोन नदी निकलती है। मैंने बताया था ना आपको कि जो भारत प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र नदी है जो सोन है, जो डायरेक्ट गंगा से मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां मैं इसको कर देता हूं, तो ये सोन नदी है, ये अमरकंटक से निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखो अब गंगा की जो ऊपर से जो आती है, मतलब कि लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज जो है, ठीक है, पहली कौन सी है? ये गोमती है। ये उत्तराखंड कहीं से निकलती है, उत्तराखंड से। ठीक है, और आके गंगा में यहां मिलती है लखनऊ के पास। ठीक है, और देखो फ्रेंड्स, लखनऊ है ना जो आपकी जो लखनऊ शहर है ना, वो किस नदी किनारे बसा है? गोमती नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, याद रखना आप लोग। फिर आपकी घगड़ा नदी है, फिर आपकी ये भी तिब्बत से निकलती है, फिर आपकी ये गंडक नदी है, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय जो है ना वहां से निकलती है। फिर ये कोसी, ये भी नेपाल से निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो नदी आती है ना पश्चिम बंगाल में, आप लोग पश्चिम बंगाल कोलकाता का नाम सुने हो, ठीक है, पश्चिम बंगाल का कैपिटल है, तो जो कोलकाता है ना हुगली नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, हुगली नदी किनारे। तो देखो ये फरक्का बैराज है ना, यहीं से पानी को डाइवर्ट किया जाता है। ठीक है, और ये पानी कहाँ जाता है? कोलकाता और ये क्या बोलते हैं, हुगली नदी में। ठीक है, हुगली नदी यहीं से बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, फरक्का बैराज से, ये फरक्का बैराज है, इसे याद रखना। फिर ये आपकी कौन सी, दामोदर नदी हो गई, ये रांची प्लेटियो से निकलती है। ठीक है, झारखंड से। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ की ये हुगली नदी मिलती है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, सुनो, चलो तो मैं आपको बताता हूँ अब एक एक करके सहायक नदियों के बारे में। पहली इसकी सहायक नदी है जो यमुना है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं ये फिगर को ऐसे ये कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मैं एक एक करके ना सारी नदियों के बारे में, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है ना, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी पहली जो नदी है ना सहायक नदी, ये यमुना है। ठीक है फ्रेंड्स, पहली जो इसकी सहायक नदी है गंगा की, ये यमुना है। ठीक है, इसकी जो टोटल लेंथ है इसका, इसको लिख लो आप लोग, 1370 किलोमीटर। कहीं कहीं आपको 1376 किलोमीटर भी मिलेगा, 1376 भी मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जो एग्जैक्ट इसकी लंबाई है ना 1370 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी जो सहायक नदी है इसको लिख लो आप लोग, मैंने आपको भी बताया ना ये सारी सहायक नदी है इसकी, मैं इधर लिख देता हूं चंबल। फिर आपकी कौन सी है, बेतवा। फिर फ्रेंड्स आपकी है केन। फिर आपकी कौन सी है, हिंडन। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक है, फिर इस पे लिख लो, इस पे जो प्रोजेक्ट्स हैं, इस पे एक ही अच्छी प्रोजेक्ट है, एक ही बड़ी प्रोजेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैं लिखवा देता हूं आपको, लखवर ब्यासी नाम है इसका। कौन सा प्रोजेक्ट है फ्रेंड्स? लखवर ब्यासी बांध। ठीक है फ्रेंड्स,
लखौर ब्यासी बांध। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछा हुआ था अभी कुछ दिन पहले 2016 या 17 में, ठीक है, एसएससी ने पूछा था कि ये जो यमुना नदी है ना किन किन स्टेट से होके बहती है, और एक ऑप्शन में था ना हिमाचल प्रदेश भी। आप लोगों को तो पता होगा ना कि जो उत्तराखंड से निकलती है यमुना नदी, फिर उत्तर प्रदेश में जाती है, दिल्ली में जाती है, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो हिमाचल प्रदेश में थोड़ी सी बहती है। मैं इसको लिख देता हूं यहां पे, स्टेट्स लिख लेना इस पे। पहला तो आपका उत्तराखंड हो गया, यूके शॉर्ट में लिख देता हूं मैं इसको, ठीक है, यूके हो गया, उत्तराखंड हो गया, फिर आपकी ये ऐसे लिख लेना हिमाचल प्रदेश, इसको ना ब्रैकेट में कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ना बहुत ही थोड़ी बहती है वहां से, बहुत कुछ मीटर ही बहती है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप ब्रैकेट में लिखना। फिर आपका हो गया दिल्ली, फिर आपका उत्तर प्रदेश हो गया, और फाइनली ये उत्तर प्रदेश में जाके गंगा से मिल जाती है, कहां पे, इलाहाबाद, प्रयागराज जो बोला जाता है, और जहां मिलती है ना उस जगह को बोला जाता है प्रयाग, प्रयाग का मेला भी लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यह हमारी यमुना नदी हो गई, ठीक है फ्रेंड्स, इसे आप लोग लिख लो। फ्रेंड्स जो हम बताने जा रहे हैं ना, देखो इससे ना आपका पेनिनसुलर रिवर जो है ना वो भी इसमें आ जाएगा, ठीक है, जो गंगा के जो सहायक नदी है ना कुछ पेनिनसुलर रिवर्स भी है, तो आपका पेनिनसुलर रिवर्स भी इसमें कवर होते चलेगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसे नोट करते चलना और कॉपी पेन लेके साथ में बैठना, इसे नोट कर लेना जो भी चीज मैं लिख रहा हूं यहाँ पे या बता रहा हूं। तो फ्रेंड्स इसकी जो पहली जो सहायक नदी है ना कौन सी है, चंबल, यहां से चलते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है, तो चंबल है, ठीक है फ्रेंड्स, जो यमुना के जो सबसे पहली सबसे बड़ी और सबसे पहली, ठीक है, यहां से स्टार्ट करता हूं, जो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है ना वो कौन सी है, चंबल नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछता है याद रखना आप लोग, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चंबल नदी, इसकी जो टोटल लेंथ है ना फ्रेंड्स 960 किलोमीटर है, ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो टोटल लेंथ है 960 किलोमीटर है, इसका सोर्सेज लिख लो आप लोग, ये आपकी नदी निकलती है, आपका कौन सा ये जगह है, ये आपका एमपी है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश है, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पे मैं लिख देता हूं मध्य प्रदेश में एक जगह है MHOW, ठीक है, MHOW, इसको बोला जाता है मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वार, क्या बोला जाता है, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार, इसको मैं लिख देता हूं, ये है आपका इंदौर में, ठीक है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश ठीक है, ये मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वार इंदौर मध्य प्रदेश में है, ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो देखो जो हिल्स है ना वहां पे जनपाओ हिल्स, ठीक है, जनपाओ हिल्स, कौन सा जगह है फ्रेंड्स, देखो इसके सोर्सेज है ना मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वार इंदौर मध्य प्रदेश जनपाओ हिल्स, ठीक है फ्रेंड्स, ये चंबल नदी है, ठीक है, और देखो इस पे जो प्रोजेक्ट्स है ना फ्रेंड्स, मैं लिख देता हूं यहां पे, इस पे प्रोजेक्ट्स लिख लो आप लोग, इस पे भी चार प्रोजेक्ट्स हैं, एक चीज मैं बताता हूं, देखो आप लोगों अक्सर ये भूल जाते हो ना कि जो लंबाई होती है, मैं भी भूलता हूं, ठीक है फ्रेंड्स, देखो 960 किलोमीटर है नदियों की जो लेंथ याद रखना, इतनी सारी नदियां हैं सबकी लेंथ याद नहीं हो पाती है, बट चीजों को ज्वाइंट कर हम पढ़ेंगे ना तो बहुत जल्दी याद होता है, ठीक है फ्रेंड्स, सो आपको ना देखो चंबल, अभी मैंने कुछ देर पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था, चौ से कोई और नदी के बारे में बताया था मैंने आपको, चिनाब के बारे में बताया था, ठीक है फ्रेंड्स, देखो तो चिनाब की भी ना जो लेंथ थी ना वो भी 960 किलोमीटर थी, ठीक है फ्रेंड्स, और देखो चिनाब पे भी ना चार बांध बनाया हुआ था, भारत सरकार की चार ही बांध थी, ठीक है, वैसे ही चंबल पे भी ना चार प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया सरकार भारत गवर्नमेंट के, ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा याद रखना है आपको, मैं आप प्रोजेक्ट्स लिख देता हूं, जो हमारी पहली प्रोजेक्ट्स है ना वो राणा प्रताप सागर फ्रेंड्स,
राणा प्रताप सागर, ये आपका है राजस्थान में, ठीक है, ये राजस्थान में है। कौन सा? राणा प्रताप सागर, ये आपका राजस्थान में है। दूसरा दूसरा आपका है जो प्रोजेक्ट इस पे, कोटा बैराज, ये भी आपका राजस्थान में ही है, ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा आपका है जो जवाहर सागर, बांध, ये भी आपका राजस्थान में ही है। और जो नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका गांधी सागर बांध, ठीक है, ये आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बारे में इतना ही पूछता है एग्जाम में, इससे कहीं हटके नहीं पूछता है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बारे में और कोई चीज, हाँ एक और चीज आपको बता देता हूँ। देखो फ्रेंड्स, आपके मन में एक और चीज आता होगा ना कि ये जो नदी निकलती है तो ये मध्य प्रदेश से, बट मिलती किससे है? यमुना से, बट मिलती कहाँ पे है? तो ये आपका कहीं क्या बोलते हैं, जो चंबल नदी है ना, ये कहीं आपका यूपी में हमीरपुर जगह है, ठीक है, हमीरपुर यूपी में जाके कहीं मिलती है ये। जो ज्वाइंट्स होती है ना, किससे? यमुना से, ज्वाइंट्स टू यमुना, एट हमीरपुर, ठीक है फ्रेंड्स। यहां आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं ऊपर लिख देता हूं। जो नदी ज्वाइंट्स होती है ना यमुना से, ये हमीरपुर में होती है, यूपी में, ठीक है फ्रेंड्स। इस नदी के बारे में इतना ही जानना है, ठीक है, इससे हटके कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप प्रोजेक्ट्स इसको लिख लो, और जो निकलती सोर्सेस कहाँ पे, इसकी जो लेंथ कहाँ, लेंथ कितनी है, और मिलती कहाँ पे, हमीरपुर में, ठीक है फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट नदी कौन सी है आपकी? बेतवा नदी है। नेक्स्ट आपकी कौन सी नदी है? बेतवा नदी है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में, इसे आप लोग नोट कर लो। नेक्स्ट रिवर है आपकी बेतवा, अभी हम लोग ना यमुना की सहायक नदी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक एक करके पढ़ते चलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे जो देखो, जो नदी यहां से निकली यहां तक आई, फिर इसके बीच में जो भी नदी है ना उसके बारे में पढ़ते चलेंगे, फिर आगे चल के इस नदी के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, ठीक है, एक प्रॉपर वे में, ताकि आप लोग को याद हो सके, ठीक है फ्रेंड्स, और आप लोग समझ सको अच्छे से। नेक्स्ट रिवर है हमारी बेतवा, ठीक है फ्रेंड्स, बेतवा। ये ज्यादा लंबी नदी नहीं है, ये छोटी नदी ही है, इसकी टोटल लेंथ है ना 592 किलोमीटर, 592 किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स, 592 किलोमीटर्स। ये नदी निकलती है आपकी भोपाल से, मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है फ्रेंड्स। इस पर जो प्रोजेक्ट्स है ना उसको लिख लो आप लोग। पहला आपका जो है ना माता टीला परियोजना, ठीक है फ्रेंड्स, माता टीला परियोजना, माता टीला परियोजना, दूसरी जो परियोजना है फ्रेंड्स वह आपकी केन बेतवा नदी लिंकिंग परियोजना, ठीक है फ्रेंड्स, केन बेतवा नदी लिंकिंग परियोजना, इसे याद रखना, ये केन नदी और बेतवा नदी को लिंक करती है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं लिख देता हूं, मैं केन बेतवा नदी लिंकिंग परियोजना,
इसे आप लोग नोट कर लो, इस नदी के बारे में बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे मैं आपको नेक्स्ट नदी आपकी कौन सी है, केन नदी, ठीक है। केन नदी के बारे में बता ही दिया, केन नदी भी मध्य प्रदेश से कहीं से निकलती है, ठीक है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश से निकलती है और फाइनली जाके यमुना नदी मिल जाती है। इस नदी के बारे में ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट नदी आपकी जो है ना बड़ी नदी, वो सोन नदी है, ठीक है फ्रेंड्स, सोन नदी। इसे आप लोग नोट कर लो, मैं फिर मैं बताता हूँ आपको। नेक्स्ट रिवर आपकी जो वो सोन नदी है। फ्रेंड्स इसकी टोटल लेंथ है ना 784 किलोमीटर। आप लोगों को पता ही कहां से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश से। ये भी नदी मध्य प्रदेश से ही निकलती है। सोर्सेस इसको लिख देता हूं, अमरकंटक की पहाड़ियां। कहां ये मध्य प्रदेश है, ठीक है। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है नदी मध्य प्रदेश में, ठीक है फ्रेंड्स। और मैंने इसके बारे में अभी आपको बताया कुछ देर पहले ना कि प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र नदी है जो डायरेक्टली किससे मिलती है, ये गंगा से मिलती है, ठीक है। देखो इधर से कोई भी नदी नहीं है ना जो डायरेक्ट गंगा से मिलती है, ठीक है। ये पहली नदी है, एकमात्र और पहली नदी है, ठीक है। कौन सी, सोन नदी। इसके बारे में आप लोग लिख लेना ऐसे, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र नदी जो गंगा से मिलती है, डायरेक्टली मिलती है, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी सहायक नदी के बारे में लिख लो आप लोग, रिहंड, कन्हर। फ्रेंड्स जो रिहंड नदी है ना, रिहंड नदी, इस पे बहुत ही क्या बोलते हैं, इस पे एक डैम बनाया हुआ है रिहंड डैम के नाम से, ठीक है। इस गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध है जो यूपी में है, ठीक है फ्रेंड्स। ये मानव निर्मित है, आर्टिफिशियल डैम है और इंडिया का लार्जेस्ट, इंडिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल क्या वो टैंक या लेक बोल लो, ठीक है, वो है कौन सा, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है। ये जो डैम है ना, इंडिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल टैंक और लेक है, मानव निर्मित सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध नहीं सॉरी, सबसे बड़ा झील या टैंक बोल लो इसको, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारी हो गई सोन नदी, ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लो। ये जो नदी आगे कहीं मिलती है ना यार, ये बिहार में छपरा के नजदीक मिलती है कहीं, ठीक है। ये छपरा है ना, ये बिहार है, बिहार में छपरा के नजदीक मिलती है, ये बिहार छपरा में कहीं पे नदी मिलती है, किससे, गंगा से डायरेक्टली, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ की सारी नदियां हो गई, गंगा और यमुना की जो सहायक नदी थी ना वो भी हो गई, ठीक है। अब हम पढ़ते क्या है ना कि जो गंगा पे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, एक्चुअली मैंने बोला था ना कि बाद में आपको बताऊंगा कुछ देर बाद। तो देखो गंगा के जो गंगा पे जो प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं ना वो आप लोग देख लो पहले एक बार। देखो गंगा की जो परियोजना है ना, पहला है टिहरी बांध, ठीक है फ्रेंड्स। तो गंगा पे जो परियोजना है ना, पहला टिहरी बांध है, आपको बताया था ना कि जो, और टिहरी बांध जो है ना भारत की सबसे बड़ा बांध है, ठीक है, सबसे ऊंचा बांध, हाईएस्ट डैम इन इंडिया, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो भारत की सबसे ऊंची डैम है कौन सी, टिहरी बांध। इसकी टोटल जो ऊंचाई है ना कितनी है, 265 मीटर है, कितनी है फ्रेंड्स, 265 मीटर है। और एक और चीज में लिख लो आप लोग, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन इंडिया, भारत की सबसे ज्यादा ग्रेविटी डैम है ये, ठीक है, कौन सी, टिहरी बांध, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर इस पे जो दूसरा प्रोजेक्ट है ना अपनी गवर्नमेंट की जो, वो फरक्का बैराज है, आपको मैंने बताया था ना फरक्का बैराज के बारे में। देखो यहाँ पे है, क्या करता है ये, डाइवर्ट्स द वाटर ऑफ गंगा इनटू हुगली रिवर्स,
ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या करता है ना कि गंगा के पानी को ना क्या करता है, डाइवर्ट करता है हुगली रिवर में, मतलब हुगली नदी में। और पता है आपको कि जो हमारी जो हुगली सॉरी कोलकाता है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है, हुगली नदी किनारे। ठीक है फ्रेंड्स, इसे आप लोग लिख लेना। और फ्रेंड्स जो हुगली नदी की जो टोटल लंबाई है ना, मैं यहां पे लिख देता हूं, 260 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, हुगली नदी की टोटल लेंथ जो है ना 260 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, और कोलकाता बसा हुआ है हुगली नदी किनारे। एक और चीज बता दूं, कोलकाता को लंदन ऑफ ईस्ट भी बोला जाता है। पता है क्यों बोला जाता है आप लोगों को? क्योंकि ना जो अंग्रेज आए थे ना, अपनी पहली जो राजधानी थी ना उनकी, वो कोलकाता ही थी। ठीक है फ्रेंड्स, कब से कब तक रही थी? अप्रोक्स 1700 से 1911 तक रही थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको मैं जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना उसमें बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1700 से 1911 तक रही थी। 1911 में क्या हुई थी, दिल्ली ट्रांसफर हुआ था। कहाँ? हमारी रोज राजधानी है, भारत की राजधानी थी। ठीक है फ्रेंड्स, देखो तो फरक्का बैराज यही करता है ना, गंगा के पानी को क्या करता है, डाइवर्ट करता है किसमें, हुगली नदी में। ठीक है फ्रेंड्स, इसे भी आप लोग लिख लेना। और देखो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट जो भारत सरकार के जो प्रोजेक्ट्स है ना गंगा नदी पे, आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा फ्रेंड्स। अगर मान लो कोई आप लोगों को कोई लैगेज है, कोई सामान है, कोई माल है, ठीक है, आपको ना एक जगह से दूसरे जगह पे भेजना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे चीप हमारा जो क्या बोलते हैं परिवहन होगा ना, साधन होगा, वो कौन सा होगा? बाई एयर होगा, मतलब एरोप्लेन से होगा, या बाई रोड होगा, या बाई वाटर होगा? पता है फ्रेंड्स, सबसे चीप होता है ना बाय वाटर। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए ना भारत सरकार ने ना, और हमारे पास देखो पानी की बहुत सारी संभावनाएं है, पानी बहुत ज्यादा है, नदी बहुत ज्यादा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत सरकार ने क्या कहा है ना, क्या किया है ना, इस पे वाटर वे बनाया हुआ है। ठीक है, तो पहला जो वाटर वे है ना भारत का, वो गंगा नदी पे ही है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत का जो पहला वाटर वे है वो गंगा नदी पे है, उसको क्या बोला जाता है, नेशनल वाटर वे वन। ठीक है, नेशनल वाटर वे वन, NWW इसको बोला जाता है। ठीक है, NWW वन, इसकी टोटल टोटल कितना है, ये 1620 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 1620 किलोमीटर है। ठीक है, कहां से कहां तक है ये, इलाहाबाद यूपी में आपका, और ये हल्दिया कहां है, वेस्ट बंगाल में है। एक्चुअली एक चीज और लिख लेना फ्रेंड्स, हल्दिया पोर्ट भी है एक। ठीक है, हल्दिया पोर्ट है आपका, पोर्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे लिख लो आप लोग। एक और चीज बता दो, ये टिहरी बांध जो है ना फ्रेंड्स, वो टिहरी जिला में है। कहां? उत्तराखंड में। टिहरी जिला उत्तराखंड में है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया, इसे आप लोग नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। फिर नेक्स्ट जो नदी बची है हमारी, दामोदर नदी, और ये जो बड़ी बड़ी नदियां हैं इनके बारे में बताता हूँ आपको। ठीक है, तो फ्रेंड्स कौन सी नदी बच गई हमारी, दामोदर नदी। तो आप लोग दामोदर नदी के बारे में लिखो यहां पे, दामोदर नदी। ठीक है, इसकी टोटल लेंथ है ना 492 किलोमीटर है, 492 किलोमीटर। तो दामोदर नदी की टोटल लेंथ है ना फ्रेंड्स, वो 492 किलोमीटर है। ठीक है, निकलती कहां से ये नदी, इसका सोर्सेज लिख लो, इसकी जो सोर्सेज है ना फ्रेंड्स, वो आपका रांची प्लेट्यू, ये आपका झारखंड में है। ठीक है फ्रेंड्स, रांची प्लेट्यू झारखंड में है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो एक चीज आपको पता है, दामोदर नदी को ना बंगाल का सोख भी कहा जाता है। ठीक है, सौरव ऑफ बंगाल, क्या कहा जाता है, सौरव ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल का सोख। ऐसे ही फ्रेंड्स, उड़ीसा का शोक किस नदी को बोला जाता है, ब्राह्मणी नदी को। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आता है, बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है, तो आपका जो इधर से है ना कोसी नदी, देखो ये कोसी नदी है। ठीक है, इसको बिहार का शोक बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और चाइना का शोक किस नदी को बोला जाता है,
वो हांगहू नदी को बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको जब वर्ल्ड मैप बताऊंगा ना और वर्ल्ड के बारे में बताऊंगा ना, उसमें सारी चीज कंफर्म करा दूंगा आपको। ठीक है, पहले इंडिया के बारे में हम लोग जान लेते हैं, नदी के बारे में जान लेते हैं। बंगाल का सूख कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसके बारे में इतना, इस पर कोई प्रोजेक्ट नहीं है गवर्नमेंट की। ठीक है, तो इसके बारे में इतना ही लिखना है आपको। आपकी जो नेक्स्ट नदी है फ्रेंड्स, देखो अब गंगा की, अब ऐसे इस साइड वाला नदी के बारे में जानेंगे। ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज के बारे में जानेंगे, LBT के बारे में जानेंगे अब। ठीक है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो जो पहली नदी है ना वो राम गंगा है। पहली कौन सी है? राम गंगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी टोटल लंबाई है ना 596 किलोमीटर है। ये आपकी जो निकलती है ना सोर्सेज, इसका लिख लो, इसका सोर्सेज है उत्तराखंड। ठीक है फ्रेंड्स, ये निकलती है उत्तराखंड से आपके। उत्तराखंड में जगह है नैनीताल। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखना, ये गंगा से मिलती कहां पे है? ये गंगा से मिलती है ना यूपी में, जगह है कन्नौज। ठीक है फ्रेंड्स, वहां पे मिलती है गंगा से। कन्नौज यूपी में मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी जो नेक्स्ट नदी है ना, दूसरी जो दूसरी नदी है ना हमारी, वो कौन सी है फ्रेंड्स? घघरा नदी। इसको घघरा नदी भी कहा जाता है, घघरा नदी। नेक्स्ट है घघरा नदी। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी टोटल जो लेंथ है ना 1080 किलोमीटर है। एक्चुअली फ्रेंड्स, यही नदी है ना, एक्चुअली इसको ना बिहार और यूपी में ना सरयू के नाम से जाना जाता है। हम लोग बोलते हैं ना कि सरयू नदी, गंगा, यमुना, सरस्वती या सरयू नदी। ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ कुछ ऐसी नदियां होती है ना जिनका नाम कुछ और रहता है, लेकिन हम एक ही नदी को दो नाम से बुलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही है सरयू नदी। इसको सरयू भी बोला जाता है, इसको शारदा भी बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये हमारी हो गई घघरा नदी। ठीक है, इसकी टोटल लेंथ हो गई यहाँ पे कितनी, 1080 किलोमीटर। ये नहीं चल रहा है क्या कोई? नहीं, ये कम चल रहा है, गर्मी में सूख जाता है ना। हाँ चल रहा है, चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यही है जो क्या बोलते हैं, ये निकलती क्या है सोर्सेज, इसका लिख लो, इसका सोर्सेज आप लोग लिख लो, तिब्बत। यह निकलती है तिब्बत से। ठीक है फ्रेंड्स, बिहार और यूपी में इसको बोला जाता है सरयू। सरयू बोला जाता है कहां? बिहार और यूपी में। ठीक है, बिहार और यूपी में इसको सरयू के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स, शारदा कहां बोला जाता है? यूपी और नेपाल के बॉर्डर पे। ठीक है फ्रेंड्स, शारदा बोला जाता है इसको यूपी नेपाल के बॉर्डर पे। ठीक है फ्रेंड्स, यूपी नेपाल के बॉर्डर पे इसको किस नाम से जाना जाता है? शारदा के नाम से। ठीक है, और देखो फ्रेंड्स, ये जो नदी आती है ना आपकी कौन, घघरा नदी, ये नेपाल होके आती है। ठीक है, नेपाल इधर कहीं है, तो नेपाल में इसको क्या बोला जाता है? नेपाल में इसको कर्णाली नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कर्णाली, नेपाल में कर्णाली बोला जाता है इसको, नेपाल में। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसे याद लिख लेना, इसे इंपॉर्टेंट BVI क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है। कर्णाली नदी बोला जाता है नेपाल में। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी जो सहायक नदी है ना, बड़ी नदी है, तो इसकी सहायक नदी भी एक होगी। सहायक नदी एक काली नदी है,
सहायक नदी इसकी जो काली नदी है 350 किलोमीटर करीब है इसकी लंबाई। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी निकलती है आपकी नेपाल से और नेपाल में कहीं जाके मिल जाती है इससे, किस नदी से आपकी, घगरा नदी से। ठीक है फ्रेंड्स, आपकी जो नेक्स्ट नदी है ना, अगली रिवर्स है जो आपकी, आपकी जो अगली रिवर है ना फ्रेंड्स, वो है गोमती नदी। ठीक है, गोमती नदी कौन सी है, गोमती नदी बड़ी नदी है ये, 900 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। आपकी उत्तराखंड से कहीं से निकलती है ये, उत्तराखंड यूके, और फ्रेंड्स आपको पता है जो हमारा उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल है लखनऊ, ये इसी नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं यहां पे, लखनऊ और जौनपुर। ठीक है फ्रेंड्स, जो जौनपुर है ना, ये भी गोमती नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन फ्रेंड्स आता है फिर, जो जौनपुर जो शहर है ना, उसको किसने बसाया था। ठीक है, तो जौनपुर यही है ना जिसको फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। यहां पे लिख देता हूं मैं, फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर को किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है फ्रेंड्स, आपकी जो नेक्स्ट नदी है फ्रेंड्स, ये आपका गोमती नदी लखनऊ में मिलती है किससे, आपकी गंगा नदी से। ठीक है फ्रेंड्स, आपकी जो नेक्स्ट नदी है वह गंडक, कौन सी नदी है फ्रेंड्स, गंडक। गंडक की जो टोटल लंबाई है ना फ्रेंड्स, वो 630 किलोमीटर है, कितना है, 630 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, गंडक की टोटल लंबाई कितनी है, 630। निकलती कहां से ये, नेपाल से निकलती है। कहां से निकलती है फ्रेंड्स, नेपाल से। जब नेपाल से निकलती है तो नेपाल में भी कुछ बोला जाता होगा ना इस नदी को, इस नेपाल में इसको बोला जाता है कल्याणी। कल्याणी बोला जाता है नेपाल में। ठीक है फ्रेंड्स, कल्याणी नदी बोला जाता है किसको, नेपाल में, किसको, सॉरी गंडक नदी को। ठीक है फ्रेंड्स, और देखो ये मिलती कहां से है, ये बिहार है, बिहार में हाजीपुर में कहीं मिलती है। ठीक है, बिहार में हाजीपुर में मिलती है नदी, गंगा में मिलती है ये नदी, गंगा में ज्वाइंट होती है हाजीपुर में। ठीक है, हाजीपुर में मिलती है किससे, गंगा नदी से। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा नदी बचा कौन सा, कोशी नदी। ठीक है, कोशी नदी जैसे दामोदर नदी को बंगाल का सुख बोला जाता था ना, वैसे ही ना क्या बोलते हैं, कोशी नदी को ना बिहार का सुख बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक और चीज बता दूं क्यों बोला जाता है, ये एक नदी ऐसी है ना जो कि अपना स्थान ना मार्ग बदलते रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे आई फिर कहीं ऐसे मिल जाती है, ऐसे चली जाती है, ऐसे चली जाती है। मान लो बहुत ज्यादा बारिश हो गया, नदी ऐसे जा रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो गया तो अपना स्थान डाइवर्ट कर ले, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सौरव ऑफ बिहार। ठीक है फ्रेंड्स, अपना स्थान बदलते रहती है, अपना पानी अपना जो फ्लो है ना डाइवर्ट करते रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हमारा रिवर है ना कोशी नदी। कोशी नदी, ठीक है फ्रेंड्स, टोटल लेंथ इसी लिख लेना 729 किलोमीटर। निकलती है तिब्बत से ये,
इसको बोला जाता है सौरभ बिहार, शोक बिहार का शोक। कोशी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आपकी जो नेक्स्ट नदी है फ्रेंड्स वो कौन सी, महानंदा, महानदी नहीं है महानंदा, ठीक है। महानदी हम पेनिनसुला रिवर में पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। पेनिनसुला रिवर जो होगा ना उसमें हम पढ़ेंगे महानदी के बारे में, बट महानंदा नदी है ये, लास्ट रिवर है इसकी महानंदा, महानंदा नदी। छोटी नदी है, ठीक है फ्रेंड्स, ज्यादा लंबाई नहीं है ये, 360 किलोमीटर करीब है इसकी। ये निकलती है आपकी सिक्किम और क्या बोलते हैं, सिक्किम और सिक्किम, सिक्किम के बॉर्डर से, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर से, ठीक है फ्रेंड्स। सोर्सेस लिख लो इसका, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर से। सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर से निकलती है और मिलती कहाँ है, मिलती कहाँ है ये नदी जाके, ये नदी मिलती है बांग्लादेश में, ठीक है फ्रेंड्स। ये बांग्लादेश में ना गंगा से मिल जाती है इधर, ठीक है फ्रेंड्स, बांग्लादेश में मिलती है गंगा से। ठीक है फ्रेंड्स, यही हमारी जो गंगा की सहायक नदियां हैं और गंगा पे जो इतनी, इन पे जो भी सारे प्रोजेक्ट्स थे, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थे, मैंने आपको सारा चीज बता दिया, ठीक है फ्रेंड्स। और एक और चीज में नोट में आप लोग लिख लेना, जो क्वेश्चन पूछता है रिवर सिस्टम से गंगा बेसिन से, ठीक है फ्रेंड्स, जो गंगा बेसिन से क्वेश्चन पूछता है उसको मैं लिखवा देता हूँ, और दो तीन जो कुछ छूट गया है, ठीक है फ्रेंड्स। देखो बांग्लादेश में ना गंगा को किस नाम से जाना जाता है, गंगा को या बांग्लादेश लिख लो, बांग्लादेश में ना फ्रेंड्स गंगा को बोला जाता है पद्मा के नाम से, ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट आपकी कौन सी, ब्रह्मपुत्र। अब पद्मा देखो, गंगा तो बहती है भारत में कितनी, 2510 या 2525 किलोमीटर, लेकिन यहां पे बांग्लादेश में भी तो जाती है ना फ्रेंड्स, बांग्लादेश में इतना बहती है ना, इधर इधर कहीं आपका वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल के बाद बांग्लादेश में इतना बहती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो टोटल 120 किलोमीटर बहती है, 120 किलोमीटर किस में बहती है, बांग्लादेश में बहती है नदी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्रा, जो ब्रह्मपुत्रा नदी है आपकी, इसको जमुना बोला जाता है, यमुना नहीं जमुना, ठीक है फ्रेंड्स। और ये टोटल 205 किलोमीटर बहती है सिंगल, कहां पे, बांग्लादेश में, ठीक है फ्रेंड्स। देखो बताता हूं मैं आपको, और फिर ये गंगा हो गई इधर से, ये इस फिगर में बताता हूं, ठीक है फ्रेंड्स। देखो ये आपकी गंगा है, ये आपकी ब्रह्मपुत्रा है, ये दोनों यहां पे आके मिल गई, तो यहां पे कितना, ये भी इतना, दोनों ज्वाइंट होने के बाद ये मिल गई, ठीक है बांग्लादेश में आके। और फिर साथ में बहती है ना, इतना दोनों नदी साथ में इतना बहती है, तो दोनों नदी साथ में कितना बहती है, एक साथ कितना बहती है, तो 264 किलोमीटर बहती है, ठीक है फ्रेंड्स। यहां पे लिख देता हूं गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र, ठीक है, को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मेघना के नाम से। जब गंगा ब्रह्मपुत्र में मिलती है तो उसको क्या बोला जाता है, किस नाम से फेमस होती है, मेघना के नाम से। और टोटल कितनी बहती है फ्रेंड्स, 264 किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा गंगा बेसिन के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ब्रह्मपुत्रा बेसिन के बारे में बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। और देखो ये चीज बहुत इंटरेस्टेड होगा ना ब्रह्मपुत्रा के बेसिन के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो नदी है ना नॉर्थ ईस्ट से होकर गुजरती है, ठीक है, और जितने सारे वहां पे जो डैम्स बने हुए हैं, जनजातियां हैं वहां पे, मैं सारा बताते हुए चलूंगा आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगला वीडियो भी देखना आप ध्यान से, और फ्रेंड्स इसमें कोई प्रॉब्लम होता है आपको तो आप लोग कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स।